अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट। और आज मैं अटेंडेंस शेयर भी करने की पोजीशन में हूँ, तो आज मैं शेयर भी कर देता हूँ। अब्दुल हनान, अब्दुल मुकसित, मुकसित तो मुझे नजर आ रहे हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं, अहमद अली, अहमद अली साहब हैं, 160। अच्छा, अहमद रजा नहीं, मैं अहमद अली 160 पूछा है। रजा मैंने आपको तो देख लिया, आपका 117 नहीं आईडी? जी सर जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर जी। इसके बाद मेरी अहमद बारी थी ना, तो बस इसी ठीक हो गया, जबरदस्त। अहमद रजा रजा साहब सर। हैं और अमीर हमजा साहब हैं, अमीर हमजा नहीं है, अनम भट्ट, अनम भट्ट नहीं है, अरबाज महमूद, बिलाल मौजूद हैं, बिलाल यूसुफ भी मौजूद हैं, दुआ अजहर भी मौजूद है। ठीक है बच्चों, ईमान फातिमा भी मुझे नजर आ रही हैं, फरमान करीम साहब हैं, फरमान करीम, फतुमा इकबाल, हाजरा अनीस नजर आ रही हैं मुझे, हमजा सईद भी नजर आ रहे हैं मुझे, हारून आमिर, हारून आमिर, हसन मुजतबा, प्रेजेंट सर। मुइज सलीम, यस सर प्रेजेंट। अब्दुल्ला कामरान यस सर जी, ठीक है, मोहम्मद अहमद 078 प्रेजेंट सर जी, ठीक है, अहमद, आकिब सलीम, प्रेजेंट सर। ओके, आकिब, फैजान अमीन जी, ठीक है, फैजान, थैंक यू, मोहम्मद सलाहुद्दीन प्रेजेंट सर। जी, ठीक है, सलाहुद्दीन, उमर महबूब जी, ठीक है, उमर भाई, उसामा तारिक, थैंक्स उसामा, साद शिराजी, साद शिराजी साहब हैं, सैफ अली प्रेजेंट सर। जी, थैंक यू, सैफ के बाद है सलमान भट्ट, सलमान भट्ट साहब है, समीर वाहिद प्रेजेंट सर। जी, ठीक है, समीर, सना हमीद प्रेजेंट सर। जी, ठीक है बच्चे, सलमान शहबाज, प्रेजेंट। सलमान प्रेजेंट है, चलो जी, सलमान प्रेजेंट है,
सर साथ शिराजी की भी लगा दें जी सर, हैंड रेज किया था। ले साथ, ठीक है। सरफराज फिदा, यस सर जी, ठीक है। शाजीन अहमद, शाजीन अहमद, शमजे अंजुम जी, ठीक है बेटा। शाजेब सरवर साहब को तो मैंने देखा था, और शाजीन भी हैं, और शेराज अली, प्रेजेंट सर, सैयद नकी हैदर, सैयद नकी हैदर, तलहा फारूक, तलहा फारूक, जिशान इश्तियाक प्रेजेंट सर जी, ठीक है। जिशान, जिशान रियासत, यस सर प्रेजेंट जिशान रियासत, थैंक यू जिशान। जुबैर महमूद, जुबैर मोहम्मद जी, ठीक है। जुबैर भाई, थैंक यू। फरमान करीम प्रेजेंट सर, फरमान करीम सर, अब्दुल मुक्सित जी, जी मुक्सित आपकी तो मैंने देख के अटेंडेंस पहले लगा दी थी, आपका लॉगिन था शायद, माइक का कोई इशू हो रहा था उस वक्त। करीम जी, करीम साहब 135 है ना आपका बेटा आईडी? यस सर, थैंक यू सो मच जी, ठीक है, वेलकम। ओके जी, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स, मैं दूसरी डिवाइस से लॉगिन होता हूँ, उसके बाद फिर हम अपना आज का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अब आवाज आ रही है आपको? इट शुड बी क्लियर सर। ओके जी सर, अच्छा तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि किस तरह गिवन हमारे पास एक फंक्शन है लॉस फंक्शन, तो हम ये देखना चाहते हैं कि डब्ल्यू की किस वैल्यू के लिए हम
ऐसा w फाइंड करें कि जिसके लिए ये जो j w है ना, इट शुड बी अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि ये मिनिमाइज हो जाए और कम से कम हो जाए। तो इसके लिए आपको याद होगा कि हमने एक एल्गोरिदम यूज किया था जिसका नाम था ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, ठीक है ना। हमने कहा था कि ये फर्ज करें एक पैरामीटर w है, तो उसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि ये आप पहले कोई भी रैंडम वैल्यू w की चूज कर लेते हैं, तो वो w की वैल्यू या तो इधर आती है या इस रीजन में कहीं आती है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है वो आइट्रेशन करता है w को अपडेट करने के लिए। w इज अपडेटेड एज w माइनस लर्निंग रेट इनटू स्लोप या d/dw ऑफ j, ठीक है। तो इसे हमने कहा था ये रेट ऑफ चेंज है या डेरिवेटिव है या स्लोप है, तो या एक्चुअली ये क्या है, ये हमें बताता है कि अगर हम w में यूनिट चेंज करें, यानी इस dw में मैं यूनिट चेंज करूं, तो इससे जे की सेहत पे क्या असर पड़ता है। यानी जे अगर मैं w इंक्रीज करता हूँ यूनिट, तो क्या जे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो हमने देखा था कि ये जो एल्गोरिदम है, इट डजंट मैटर कि हमारा पॉइंट जो है वो रेड रीजन में है या ब्लू रीजन में है, दिस विल ऑलवेज कन्वर्ज हेयर विच इज द ग्लोबल मिनिमम। और इस ग्लोबल मिनी का मतलब ये है कि हम एक ऐसा w ढूंढ लेंगे जिस w पे हमारा जो लॉस है वो मिनिमम होगा, यानी इससे कम लॉस हो नहीं सकता। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट जो है ये हमें गारंटी देता है कि आप जब ग्रेडियंट डिसेंट की आइट्रेशंस करेंगे तो आपका w जो है वो कन्वर्ज हो के एक ऐसा w बन जाएगा जिसके बाद आपका लॉस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम था। अच्छा, अब ये तो बड़ा आसान एल्गोरिदम था, क्योंकि हमारे पास एक ग्राफ, हमें पता था कि w में यूनिट चेंज करते हैं तो j पे क्या असर पड़ता है। लेकिन मामला इतने आसान यूजली नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने न्यूरल नेटवर्क स्टडी करना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कोई ऐसी शक्ल दिखाई थी न्यूरल नेटवर्क की। तो इसका मतलब है कि वेट्स तो इधर है और लॉस फंक्शन इधर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे यूनिट चेंज करें तो लॉस को लॉस बढ़ता है या कम होता है। तो हमें ये इस चेन में से ये रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता। तो एक्चुअली जो न्यूरल नेटवर्क है उनमें कंप्यूटेशन इतनी ज्यादा होती है कि हम इनको स्टडी करने के लिए ना आसानियां ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि यार न्यूरल नेटवर्क जो है ना ये एक ग्राफ की तरह का है, तो हम कहते हैं कि इट्स अ ग्राफ, सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। तो हम इस ग्राफ के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क की कंप्यूटेशन है ना, जितनी भी कंप्यूटेशन है, इनको हम दो फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक फेज जो है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड फेज या फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की खास बात यह है कि ये हमें अलाउ करता है कि आप किस तरह अपना जो भी ये ग्राफ है, यानी कंप्यूटेशंस वाला ग्राफ है, किस तरह आप इस ग्राफ के अंदर अपनी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह उस आउटपुट से फिर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा सीधी सी बात है, आसान सी बात है। लेकिन इसमें एक दूसरा फेज भी होता है कैलकुलेशन का। इस फेज को हम कहते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन, ठीक है, बैकवर्ड प्रोपेगेशन।
बैकवर्ड प्रोपेगेशन हमें अलाउ करती है कि हम ये जो रिलेशनशिप है ना, यानी ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट है, ये हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकें, यानी हम ये रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकें, और उसके बाद ये रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के बाद हम अपना यही अजमुदा जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है, जब हमें ये रिलेशनशिप पता चल जाएगा तो हम इस एल्गोरिदम को यूज करते हुए फिर अपने जो वेट्स हैं उनको हम वेट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि हम ऐसा वेट डब्ल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए हमारा लॉस जो है ना वो कम से कम हो जाए, ठीक है ना, इस पॉइंट के लिए हमारा लॉस कम से कम। तो ये दो फेजेस हैं या ये दो कैलकुलेशन में हमने ऑर्गेनाइज किया है, और इनको स्टडी करने के लिए हम न्यूरल नेटवर्क में जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कंप्यूटेशन ग्राफ। कंप्यूटेशन ग्राफ्स का फायदा ये है कि उनमें फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और बैकवर्ड प्रोपेगेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम एक बड़ी सादा सी एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि उसका कंप्यूटेशन ग्राफ कैसे बनता है, उसमें फॉरवर्ड पास कैसे होता है और उसमें बैकवर्ड पास कैसे होता है। फिर हम अपना ये जो नॉलेज है ना कंप्यूटेशन ग्राफ का, इसको यूज करते हुए हम स्टडी करेंगे कि यार लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क जो हम बना रहे हैं उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड पास क्या होता है और बैकवर्ड पास यानी बैक प्रोपेगेशन क्या होता है। इस पॉइंट तक अगर आपके जेहन में कोई सवाल है तो वो प्लीज पूछ लें। ओके, फर्ज करें हमारे पास एक आसान सा फंक्शन है विच इज जे ए बी सी एंड दिस फंक्शन इज 3 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है, यानी कि आप ए बी सी इनपुट दें तो ये चीज एक बार आएगी, ये चीज एक निकलेगी। ओके, अब हम इसका कंप्यूटेशन ग्राफ बनाते हैं, बड़ा आसान है। पहले हम ये बताएंगे कि यार ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, ये इनपुट सी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले ये बी मल्टीप्लाइड बाय सी हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये बी मल्टीप्लाइड बाय सी है, और उसे हम कहते हैं ये एक्चुअली यू के बराबर है, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू है। तो ये हमने इस तरह कंप्यूटेशन डायरेक्शन शो कर दिया। फिर हम देखते हैं कि ये जो U कैलकुलेट होता है ये A से ऐड होता है, ये एक अगली कैलकुलेशन है। तो हम इधर कहते हैं जी A प्लस U, इसे हम कह रहे थे कि ये V है, ये हम अगली कैलकुलेशन जाहिर कर देते हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्या है कंप्यूटेशन ग्राफ में, ये ए इधर पास होगा और ये यू पास होगा तो वी कैलकुलेट होगा। अच्छा, जब ये सारी अंदर की चीज कैलकुलेट होगी तो हमने इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना, तो इसे हम कहते हैं जी ये हमारा जे है जो हम कैलकुलेट करने चले थे और वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय वी, ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है इसके अंदर फॉरवर्ड पास क्या है, फॉरवर्ड पास बड़ा आसान है। फर्ज करें जी कि ए जो है वो 5 है, बी 3 है और सी 2 है। फॉरवर्ड पास में हम कैलकुलेट करेंगे कि यार ये वैल्यू हो ए बी और सी की तो जे क्या निकलेगा, हमें पता है ये बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये यू क्या होगा 6, हमें पता है कि ये यू और ए ऐड हो रहे हैं तो वी अगर 5 है और इसमें आप 6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11, और ये 11 जो है जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्या बन जाएगा 33, ये 33 जो है
ये क्या है, ये कैलकुलेट हो रहा है इन ए बी सी से, तो ये क्या हमारा, ये हमारा फॉरवर्ड पास है। तो फॉरवर्ड पास हमें क्या देता है, फॉरवर्ड पास हमें आउटपुट देता है, या जो भी अगर लॉस हमारी आउटपुट है तो हमें लॉस दे देगा या आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास जो है ये हमारी कंप्यूटेशन जो फॉरवर्ड पास की है, ये हमें किसी भी फंक्शन की यानी किसी भी न्यूरल नेटवर्क की, न्यूरल नेटवर्क में फंक्शन ही होता है ना, उस न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। अच्छा जी, अब हम देखना चाहते हैं कि जे का रिलेशनशिप इस ए बी और सी से क्या है। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं बैकवर्ड पास। पहले हम एक्चुअली हम निकालना क्या चाहते हैं, गौर करें, हम ये निकालना चाहते हैं कि मैं अगर ए में यूनिट चेंज करूं तो जे की सेहत पे क्या असर पड़ता है। सिमिलरली मैं अगर बी में यूनिट चेंज करूं तो जे की सेहत पे क्या असर पड़ता है, एंड सिमिलरली अगर मैं ए बी सी में यूनिट चेंज करूं तो फिर जे पे क्या असर पड़ता है। ये मैं ये रिलेशनशिप निकालना चाहता हूं, रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम बैकवर्ड पास करते हैं ऐसे। पहले हम देखेंगे कि अगर हम वी में यूनिट चेंज करें तो फिर जे पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ये बन जाएगा डी बाय डी वी ऑफ थ्री वी, और हमें पता ये थ्री होता है। अच्छा, अब सोचने की बात ये है कि ये थ्री क्या बताता है। ये थ्री आपको बताता है कि अगर आप V में यूनिट चेंज करें, यानी आप 11 की जगह इधर बन जाए 11.001, तो ये थ्री प्रिडिक्ट करता है कि यार आपका जो J होगा ना वो 0.003 बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका सिंबल पॉजिटिव है। अगर यहाँ -3 आता तो ये कहता है कि अगर आप इधर 0.001 बढ़ाएंगे तो आपका लॉस 0.03 यानी 3 गुना कम हो जाएगा, लेकिन अब क्या बताता है कि ये बढ़ जाएगा। हम देख लेते हैं, ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आपको याद होगा कि ये है 3 into V, ठीक है ना। 3 into V में अब अगर हमारा V जो है वो 3.11.001 हो गया है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 33.003 आ जाएगी। तो हमने गौर करना है इस डब्बे पे, क्या ये वही प्रेडिक्शन नहीं है जो हमारे इस रेट ऑफ चेंज फंक्शन ने की थी। इसने कहा था कि भाई अगर आप वी में यूनिट चेंज करोगे ना तो जे में यूनिट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप V में यूनिट डिक्रीज करोगे तो J में भी यूनिट डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये तो वाकई ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये बैकवर्ड पास ने क्या किया, बैकवर्ड पास ने हमें J और V के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, लेकिन हम तो V में इंटरेस्टेड नहीं है, V तो इंटरमीडिएट वैल्यू है। हम तो जानना चाहते हैं ये जो तीन दोस्त है हमारे जिन पर मैंने अभी टिक लगाया, तो हम क्या करते हैं, हम ये बैकवर्ड प्रोपेगेशन और कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि U के अंदर अगर यूनिट चेंज की जाए तो फिर V की सेहत पे क्या असर पड़ता। तो इसे हम कहेंगे D बाय डी यू ऑफ V। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये बन जाएगा d बाय डी यू ऑफ a प्लस u। तो एक्चुअली ये क्या है, ये इसका अब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हमें बताएगा जी के चूंकि चूंकि ये ए जो है यू में चेंज करने से ए की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता, ए में तो कोई रेट ऑफ चेंज नहीं आता, ये तो कांस्टेंट है। तो इसलिए इसका मतलब है कि ये रेट ऑफ चेंज इन ए क्या है, जीरो है। अब बाकी बच गया डी बाय डी यू ऑफ यू, तो आप इसमें यूनिट चेंज करेंगे तो इसमें भी यूनिट चेंज होगी, तो इसका मतलब है इसका पूरे का आंसर आ जाएगा 1।
अब ये वन हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर आप यू में यूनिट इंक्रीज करेंगे तो वी में भी यूनिट इंक्रीज होगा। क्या आप ये देख सकते हैं कि ऐसा ही होगा या ये मुझे इसकी एग्जांपल करने की जरूरत है? देखें ये क्या 6.001 मैंने कर दिया, 5 + 6.001 जब आप ऐड करेंगे तो 11.001 ही आएगा ना। यही रिलेशनशिप जो है ये हमें इस डेरिवेटिव ने बताया। इसने कहा था भाई इसमें यूनिट इंक्रीज करोगे तो इधर भी यूनिट इंक्रीज ही हो, तो हमें यही रिलेशनशिप वेरीफाई भी होगा। सही है, कोई हाँ हूँ कहो यार, ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हो। जी सर। अच्छा चलो, मुझे मुझे तसल्ली देते रहा करो यार, तक कोई हाँ कुछ जी, ताकि मुझे तसल्ली हो जाएगा यार लोग सुन रहे हैं। वो वही ना ना, वो बेचारे सो ही रहे हो। क्या ख्याल है? नहीं सर। अच्छा जाग रहे हैं, चलो यार माशाल्लाह जबरदस्त। मुझे ऐसे पता नहीं सर, वो इंटरनेट बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा यार, लेकिन मैं इसलिए आज घर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना इंटरनेट बड़ा तंग करता है, तो अभी मेरी मेरी तरफ से आप कोई प्रॉब्लम नहीं सर इसकी। हाँ, मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आज, मुझे उम्मीद है। नहीं सर, सही गुड हो गया। ठीक, अच्छा जी। सो अब आपने ये यू भी निकाल लिया, तो अब यू निकालने के बाद यू भी इंटरमीडिएट है, तो अब हम निकालेंगे कि यार इस U में B के इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है और C के इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ हम दो डेरिवेटिव और निकाल लेंगे, d by dc of u and d by db of u। अब d by dc of u का मतलब है कि आप निकाल रहे हैं d by dc of d multiplied by c। अच्छा, अब ये एक मजे की चीज है, d by dc of, अच्छा फर्ज करें ये b2 है, तो d by dc of 2c क्या होगा? 2। तो ये b में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा c को चेंज करने से, तो इसका मतलब है कि ये b एक कांस्टेंट है। तो अगर d by dc of 2c 2 है, तो d by dc of bc क्या होना चाहिए? b होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं जी के अगर आप C में यूनिट चेंज करें तो U में एक यूनिट ऑफ B इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर आप B में इंक्रीज करेंगे तो U में एक यूनिट ऑफ C इंक्रीज हो जाती है। तो अब हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आ गया, लेकिन हम तो जानना चाहते हैं कि यार ये जो J है, इस J में क्या यूनिट चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू B। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैलकुलस का मशहूर जमाना चेन रूल। ठीक है, चेन रूल कहता है कि D by DB of J जो है ना, इट इज एक्चुअली इक्वल टू d by db of u multiplied by d by du of v multiplied by d by dv of j। अब हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज तो मौजूद है। हमने देखा d by db of u क्या है, v। हमने देखा ये d by du of v क्या है, 1। हमने देखा ये d by dj of d by dv of j क्या है, 3b। अब ये 3b का मतलब ये है कि अगर आप ये b नहीं, c होना चाहिए, कि अगर आप B के अंदर यूनिट चेंज करेंगे तो आंसर आपका 3C आएगा। ये मुझे इधर से एक्चुअली करेक्ट करने दे, क्योंकि D by DU of DB ऊपर वाला है। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम ये वैल्यू लिख रहे हैं
दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग. तो दिस इज सी, तो ये हमारे पास है 3C. ओके, अब फर्ज करें कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता भी है या ये रिलेशनशिप झूठ बोलता. फर्ज कर लें जी हमने बी के अंदर इंक्रीज की 0.001 की, ठीक है, बी के अंदर हमने इंक्रीज की 0.001, तो इसका मतलब है यू क्या हो जाएगा, सी इंटू 3.001. इसका मतलब है कि ये वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा जी 5 + C × 3.001, ठीक है. और इसका मतलब है जे क्या हो जाएगा, जे जब इस सारे को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 + C × 3.001, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 × 3C × जो भी ये वैल्यू थी, ठीक है, 0.001. तो आप नोट करें कि यूनिट चेंज क्या आई जो इसने प्रेडिक्ट की, ठीक है. सर ये सर अगर आप सी के अंदर वैल्यू डाल देंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे. जी जी पूछे पूछे सवाल पूछे सर. ये 3 बाहर भी है और ये 3.001 था सर अंदर. हाँ देखो ना, इसको हम दोबारा, इसको हम असल में मैंने सी इसलिए इस तरह रखा है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें. अगर आप चाहो तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ. नहीं नहीं सर, नहीं सर, ये 3V है ना, तो सर अंदर आपने लिखा है 0.001. हाँ तो वो इसलिए तो लिखा है कि ये पीछे तो पीछे आपने लिखे ना, ये देखे 5 + C 3.001. तो हाँ जी बेटा, ये बी वैल्यू था मेरा चांद, और मेरी बात तो सुन ले, सुन तो ले, ये बी की वैल्यू क्या है, 3. जी सर 3.. जी जी. तो इधर मैं क्या लिखूंगा, सी मल्टीप्लाइड बाय 3.001. जी सर ठीक है, यहाँ तक तुम एग्री है ना मेरे साथ, कोई नाराज नहीं. क्या लिखूंगा 5 ये वाली चीज, जी सर ठीक है ना. अब इधर क्या करूंगा, ये सारी चीज जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई हो गया सर, आगे समझ आ गई, ठीक है ना. अब तू एग्री करता है मेरे साथ, जी सर बिल्कुल. मैंने एक्चुअली ये 3C दिखाना था आपको कि ये जो भी चेंज आएगी ये 3C चेंज आएगी, ठीक है ना, इसलिए मैंने सी की वैल्यू नहीं लिखी थी. तो डेरिवेटिव ने हमें बताया कि यार आप इसमें यूनिट चेंज करोगे ना तो इसमें 3C चेंज आ जाएगी. तो हमने देखा कि यूनिट चेंज करने से 3C चेंज आ गई. जी बेटा जी. सर ये 3C की वैल्यू, ये जो C की वैल्यू आई है ये बेसिकली ये जो पहले हमने अज्यूम की थी B की वैल्यू 3, तो उधर से ही आ रही है ना, इसका मतलब जो भी हम पहले अज्यूम करेंगे C के साथ वही वैल्यू आएगी ना. एग्जैक्टली देखो वो चेंज सिर्फ क्या आ रहा है, चेंज ये आ रहा है कि अब ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना. तो यानी ओवरऑल जो भी आप यूनिट चेंज कर रहे हो ना B के अंदर, यस सर, वो यूनिट चेंज 3 सी इफेक्ट डालेगी जे, ठीक है. ओके सर. सर एक बात बता दे सर. हाँ हाँ पूछो सर. ये देखिए जब हमारे पास V की वैल्यू सर 5 + C × 3.001 है, तो जब सर हमने ये इधर जे के पास आए तो V की वैल्यू सर हमने इधर आपने पुट की 3 × 5 + C 3.001. हाँ हाँ आपने बाद में मल्टीप्लाई किया 3 को अंदर सर, ये जो है 5 + C × 3.001 15 + 3C
सर ये दो दफा थ्री नहीं है जब 3.001 है सर। देख मैंने यार, मैं समझ गया, मैंने जो एक स्टेप खाया है ना वो भी मैं लिख देता हूँ, वो मुझे खाना ही नहीं चाहिए। मैंने एक्चुअली सिर्फ ये किया था कि ये सी इंटू 3.001 है ना, ये थ्री मैंने बाहर लिख के 0.001 कर दिया, ठीक है? आप एग्री है मेरे साथ में? अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, या इसके साथ कर लें, या आप इस चेंज को इधर दिखा दें, आपकी मर्जी है ये, ठीक है? ये मुझे ना सी करना ही नहीं चाहिए था, ये मुझे डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए थी ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, ये सी ने सारा काम खराब कर दिया। यार मैं ना डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ऐसा कर ले, इससे जरा कंफ्यूजन हमारी कम हो जाएगी। फर्ज करें, दोबारा हम इसी पर टाइम लगाते हैं, फर्ज करें हमारा बी है 3.001, तो हमारा यू क्या हो जाएगा? सी को हम फर्ज करते हैं 2 है हमारा, ठीक है? इसको मैं ब्लू पेन से लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। सो यू इज गोइंग टू बी 2 ज़रब 3.001, यहां तक हम अग्रीड हैं, विच इज इक्वल टू 6.002। यहां तक किसी को इतराज है कोई? नहीं सर। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। V क्या बन जाएगा जनाब? V बन जाएगा 5 जमा 6.002, विच इज 11.002। यहां तक हम एक पेज पे हैं सारे? जी सर। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम लिखते हैं जी के जे क्या है जी? 3V है, विच इज इक्वल टू 3 × 11.002। यहां तक भी हम सेम पेज पे हैं, 33.00 कितना? 6। जी सर। ओके, अब ये जो 0.006 है, क्या इसमें से मैं ये 2 बार निकाल सकता हूं? 0.003 लिख सकता हूं? जी सर। क्या मैं इस 2 को बी लिख सकता हूँ? ये याद रखें कि सॉरी सी लिख सकता हूँ, याद रखें कि ये सी 2 था। जी जी सर। अब मुझे लगता है मामला क्लियर हो जाएंगे, है ना? जी सर। मैंने लिखा था सी इनटू 0.003। अब तक आप मेरे साथ एग्री हैं? जी सर। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये 3 भी बाहर निकाल लूं? जी सर। तो हमने चेंज क्या की थी बी में? 0.001 की जी। जे के अंदर क्या चेंज आई? 3C टाइम वो चेंज आया। वेरी गुड। और हमें डेरिवेटिव ने क्या बताया था? जो उसने प्रेडिक्ट किया वही इधर आया। एग्जैक्टली exactly, very good. अब ये क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? जी सर। चलो ये मैंने आपको बताना, ठीक है? So, अब इसका मतलब है कि ये जो हमें रिलेशनशिप मिल जाता है, ये रिलेशनशिप हमें अलाउ करता है कि हम ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस स्किप करके डायरेक्टली अब बी का इफेक्ट जे पे देख सकते हैं। सिमिलरली हम सी का इफेक्ट जे पे देख सकते हैं, ये भी हम निकाल लेते हैं। ये भी मेरा ख्याल ये 3B आएगा प्रॉब्ली। और सिमिलरली अगर मैं ये इफेक्ट स्टडी करना चाहूँ तो मुझे सिंपली इधर बैक प्रोपगेशन करना है, ठीक है? इसका मतलब है कि मुझे इधर निकालना है d/dA(V), सही है?
तो दिस इज गोइंग टू बी डी बाय डी ए ऑफ वी की जगह मैं ए प्लस यू लिख दूं, यू कांस्टेंट है, ये वन आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि दिस इज वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री। अगर आप चाहें तो हम ये भी चेक कर लेते हैं, ये रिलेशन हमें बता रहा है कि अगर हम ए के अंदर यूनिट चेंज करें तो ये जे तीन गुना बढ़ेगा। अगर हम जे के अंदर यूनिट चेंज करें तो ये सॉरी ए के अंदर यूनिट चेंज करें तो जे तीन गुना पड़ेगा। क्या हम इस चीज को टेस्ट कर लें? ये ठीक है, आपको यकीन है? मुझे लगता है नहीं यकीन, क्योंकि ठीक है सर, मतलब होता है कि यकीन नहीं है। है यकीन कि नहीं है? जी सर ठीक है। अच्छा चलो जी ठीक है, किसी को अगर यकीन नहीं है तो वो हाथ खड़ा करे तो मैं इसको कर भी देता हूँ, लेकिन अगर आपको यकीन है तो मैंने सिर्फ आपसे आपको ये शो करना था कि बैक प्रोपेगेशन यानी ये जितने रेड एरो। अच्छा फतुमा को यकीन नहीं, अच्छा बेटा आप कर लेते, नो प्रॉब्लम। देखो पहले मैं अब मैं राइटिंग के लिए यूज करूंगा पिंक पेन, ठीक है। देखें जी, हम फर्ज करते हैं ए के अंदर हमने चेंज की 0.001, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो वी है वो क्या हो जाएगा, हमारा वी हो जाएगा 5.001 प्लस यू हम 6, फर्ज कर लेते हैं कि यू में तो हमने कुछ भी नहीं बदला तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये टोटल बन जाएगा 11.001, और जब ये 11.001 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 33.003। अब आप ये तीन पिंक स्केयर्स को देखें, डेरिवेटिव ने प्रेडिक्ट किया था कि ए में यूनिट चेंज करोगे तो जे तीन गुना इंक्रीज हो जाएगा, अगर ए में एक यूनिट डिक्रीज करोगे तो जे तीन गुना डिक्रीज हो जाएगा। हमने ए को यूनिट चेंज इंक्रीज किया तो हमने देखा जे तीन गुना बढ़ गया, क्या ऐसा नहीं? हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप आ गया कि यार इस ए में यूनिट चेंज करेंगे ना तो ये जे ने तीन गुना चेंज आनी है इसमें। अब आपकी मर्जी है कि आप ए में इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे तो तीन गुना इंक्रीज नजर आएगी, डिक्रीज करेंगे तो तीन गुना डिक्रीज नजर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन हम अपने इस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में यूज कर लें, डी बाय डी ए ऑफ जे, और यहाँ डब्ल्यू नहीं कहना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह हम ए में अपडेट करते जाएंगे अगर हमने ये जे को जीरो करना है। तो ये एक्चुअली ये रिलेशनशिप निकालने का फायदा ये है कि ये हम ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग। सो ये जो है ये है कंप्यूटेशनल ग्राफ। कंप्यूटेशनल ग्राफ का फायदा क्या है कि आप न्यूरल नेटवर्क की कंप्यूटेशंस को अलहदा अलहदा डिस्कस कर सकते हैं। यानी पहले हमने फॉरवर्ड पास देखा, फिर हमने बैकवर्ड पास देखा। फॉरवर्ड पास ने क्या कैलकुलेट किया? फॉरवर्ड पास ने आपको बताया जी आपकी आउटपुट क्या है। बैकवर्ड पास ने क्या बताया? उसने बताया जी कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट जो है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट क्या है, और इस रिलेशनशिप को हम यूज करते हैं अपने इनपुट को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये सारी स्टोरी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस कंप्यूटेशनल ग्राफ जो हमने अभी सीखा है ताजा, इस कंप्यूटेशनल ग्राफ
को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे अप्लाई करके देखते हैं कि यार उसमें फॉरवर्ड पास क्या होता है, उसमें बैकवर्ड पास क्या होता है, और किस तरह हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क जो हमारा है उसके हम वेट किस तरह अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूटेशनल ग्राफ क्रिएट करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास जो है वो हम स्टडी करना चाहेंगे। सो हम ऐसा करते हैं, आपको याद होगा कि हमारी कंप्यूटेशन हमेशा से होती थी y hat इज इक्वल टू सिग्मोइड ऑफ w ट्रांसपोज x प्लस b, ठीक है ना। अब इसमें ना थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं y hat को ना हमेशा a कहूंगा, a stands for activations, ठीक है ना, कि ये मेरे न्यूरॉन की एक्टिवेशन या एस्टीमेट है। दूसरा अगर आप नोट करें तो मैं इसे दो इक्वेशंस में लिख सकता हूं, मैं इसे z कहूंगा फिर सिग्मोइड ऑफ z कैलकुलेट कर दूंगा। तो इसका मतलब है अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये z जो है ये इज इक्वल टू w ट्रांसपोज x प्लस b एंड देन a इज इक्वल टू y हैट इज इक्वल टू सिग्मोइड ऑफ z, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम अपनी एग्जांपल के लिए फर्ज करते हैं ये जो वेट वेक्टर है इसमें दो वेट्स हैं W1 और W2, ठीक है ना। तो हम इसको W1 W2 के लिहाज से स्टडी कर लेते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन होगी Z इज इक्वल टू W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B और हमारा A विच इज Y हैट is equal to sigmoid of z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें पकड़ेंगे, इनका कंप्यूटेशनल ग्राफ बना लेंगे, काम बड़ा आसान सा है। तो सबसे पहले हम ये अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं z equal to w1 x1 plus w2 x2 plus p। अच्छा जी, अब इसमें x1 x2 जो है ये वो पिक्चर है या बिल्ली की तस्वीर है या नॉन कैट की तस्वीर है जिसे हमने प्रेडिक्ट करना है। इसका मतलब है कि ये तो कुछ भी आ सकता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे ये w1 और w2 के परस्पेक्टिव से, क्यों, क्योंकि हम तो सिर्फ इन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली इस जगह पे हमारे पास है इनपुट 5, ठीक है, x1 x2 w1 w2 और b, ठीक है, ये पांच इनपुट्स इस इक्वेशन में जा रही है तो फिर z कैलकुलेट होता है। अच्छा जी, अब ये जो z है ये हमें हेल्प करता है ये a या y हैट निकालने में। A is equal to y hat is equal to sigmoid of z, ये हमारी अगली कंप्यूटेशन है। अच्छा, जब हम ये एस्टीमेट निकाल लेते हैं तो फिर हम ये एस्टीमेट देते हैं लॉस फंक्शन को। तो हमारा लॉस फंक्शन जो है वो क्या है, वो ये a यानी y hat एक्सेप्ट करता है और y एक्सेप्ट करता है और हमें उसका डिस्टेंस दे देता है। हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि यार इस लॉस फंक्शन और इस वेट का रिलेशनशिप क्या है ताकि हम वो रिलेशनशिप जो है ये जो हमारा एल्गोरिदम है उसमें हम ये पुट कर सकें और उस एल्गोरिदम को फिर हम सॉर्ट आउट कर सकें, सॉल्व कर सकें डी बाय डी। अच्छा, इस जगह पर मेरा टैबलेट लिख नहीं रहा लेकिन इधर आपने देख लेना है कि यहाँ W आएगा, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम को मैं यूज करना चाहता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट को, ओके। अच्छा जी, यहाँ तक आपके जेहन में कोई क्वेश्चन आया तो पूछ लें। अब ये हमने फॉरवर्ड पास बना लिया है, ठीक है ना। फॉरवर्ड पास हमें क्या देता है, हमें आउटपुट देता है और हमें लॉस देता है।
लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हमारे लॉस का रिलेशनशिप इन वेट्स के साथ क्या है। तो इस रिलेशनशिप के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए बैकवर्ड प्रोपेगेशन। बैकवर्ड हम पहले भी रेड से कर रहे थे, अभी भी रेड से कर लेते हैं, तो हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन करते हैं। पहले हम ये रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, फिर हम ये रिलेशनशिप निकाल लेंगे, उसके बाद इस रिलेशनशिप से हम ये तीन रिलेशनशिप निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब हम ये रिलेशनशिप निकाल लेंगे तो उसके बाद चेन रूल लगाएंगे और तीनों रिलेशनशिप जो है चेन रूल से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तीन रिलेशनशिप क्या क्या निकालने, हमने निकालना है डी बाय डी डब्ल्यू वन ऑफ लॉस, डी बाय डी डब्ल्यू टू ऑफ लॉस एंड डी बाय डी बी यानी बायस ऑफ लॉस। और जब ये रिलेशन निकल आएंगे तो इनको हम इस जगह पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना, इस जगह पे। तो ये सारी स्टोरी है। सो लेट्स कैलकुलेट इट। अच्छा जी, कैलकुलेशन वाला डब्बा हम ऐसे बना लेते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन कम से कम करिएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी डी बाय डी A of loss। अब ये actually क्या होगा, ये होगा d by d a of, आपको याद होगा कि हमारा loss function जो था वो था minus, क्योंकि negative log loss था ना, minus y into log of y hat, लेकिन y hat को मैंने a कह दिया तो मैं a लिख दूंगा, जमा वन माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ वन माइनस वाई हैट, लेकिन वाई हैट को मैंने ए कह दिया तो इधर भी ए लिख दूंगा। तो मैंने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना। हम ऐसा करते हैं, हम इसको पोर्शंस में स्टडी करते हैं, पहले इतना हिस्सा पकड़ लेते हैं फिर इतना हिस्सा पकड़ लेते हैं, तो इससे हमारी जिंदगी जरा आसान हो जाएगी। अगर मैं ये पोर्शन पकड़ू तो इसका मतलब है कि अगर ये डी बाय डी ए है इसका, तो ये y चूंकि कांस्टेंट है तो ये y बाहर आ जाएगा। अब d by dA of log of a जो है ये होता है 1 over a, ठीक है ना, याद होगा हमें d by dx of log x is equal to 1 over x, जो हमने FSC में रटे लगाए थे, मुझे तो अभी तक याद है, आपका पता नहीं। यस सर, ठीक है। तो मैंने यही यूज किया, इसका मतलब है कि मैं अब इधर लिख सकता हूँ y over a, तो ये जो पोर्शन है सारा ये क्या बन गया, y ओवर a प्लस। अब हम इस पोर्शन की बात करते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, ये माइनस साइन बार मौजूद है, ठीक है, ये भूलना नहीं हमने। ओके, अच्छा जी, अब हम इस पोर्शन को देखें तो इस पोर्शन में वन माइनस वाई कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि ये वन माइनस वाई तो बाहर आ जाएगा, बाकी जो है वो बचेगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस ए। अब ये जो लॉग ऑफ वन माइनस ए है, लॉग ऑफ वन माइनस ए, एक तो ये होगा वन ओवर वन माइनस ए, लेकिन साथ फिर हमें d by dx of 1 minus a भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो d by dA of 1 minus a है, ये एक्चुअली बन जाएगा माइनस का 1, आप देख सकते हैं ना, ये एक कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, ये d by dA of minus a is going to be minus 1।
तो ये पूरी चीज बनेगी माइनस वन ओवर वन माइनस ए, और ये चूंकि कांस्टेंट मैंने बाहर निकाला था, मैं इसको लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस का वन माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस ए। यहां तक आप एग्री हैं? किसी को कोई इतराज तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। वेरी गुड। तो अब हम ये प्लस की जगह इधर लिख देते हैं माइनस, क्यों? क्योंकि ये माइनस है, और यहां मैं लिख देता हूं वन माइनस वाई ओवर वन माइनस ए। बढ़िया, ओके। अब आप इसको थोड़ा सा ना सिंपलीफाई कर लेते हैं, वो एलसीएम वगैरह जो बचपन में लेते होते थे ना, उस एलसीएम से। तो दिस इज गोइंग टू बी ए टू वन माइनस ए, तो ये वाई इंटू वन माइनस ए आ जाएगा, माइनस ये ए इंटू वन माइनस वाई आ जाएगा। ये बाहर का माइनस एज इट इज है। तो फर्दर हम सॉल्व अगर करें, so this is going to be minus bar as it is, y minus ay minus a, ये minus और minus plus हो जाएंगे, plus ay divided by a over one minus a। ये minus का ay और plus का ay जो है, इसको हम simplify कर सकते हैं? ये सर इनकी बड़ी पक्की दुश्मनी है सर। बेहतरीन हो गया मेरे दोस्त। अच्छा जी, अब ये बन गया माइनस बार वाई माइनस ए बटे ए इंटू वन माइनस ए। तो इनका हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, हमारा मसला हल हो जाएगा। हम कहेंगे ये है जी ए माइनस वाई डिवाइडेड बाय ए इंटू वन माइनस ए, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ए माइनस वाई ओवर ए इंटू वन माइनस ए। याद तक कोई इतराज है तो मुझे बताए। लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब हमने ये सॉल्व कर लिया, अब हम ये लाइन सॉल्व करेंगे। ये लाइन क्या है? ये कहती है डी बाय डी जी ऑफ ए, यानी के डी बाय डी जी ऑफ सिग्मॉइड ऑफ जी, ठीक है। अब ये जो सिग्मॉइड ऑफ जी है ना, ये एक्चुअली होता है, आपको पता है, वन ओवर वन प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी। लेकिन इसका ना एक शॉर्ट तरीका ये है कि सिग्मॉइड का डेरिवेटिव वेल नोन है। अगर आपने सिग्मॉइड का डेरिवेटिव लेना है ना, यानी कि अगर ये आपने लिखा डी बाय डी जी ऑफ सिग्मॉइड ऑफ जी, तो ये जनाब होता है सिग्मॉइड ऑफ जी इंटू वन माइनस सिग्मॉइड ऑफ जी। तो हम ऐसा करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि हमें इस बकवास में घुसना ही ना पड़े। सो मैं इधर लिख देता हूं जी के ये जो सारी चीज है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ जी इंटू वन माइनस सिग्मॉइड ऑफ जी, ठीक है। अब आप मुझे जरा ये बताएं, क्या ये सिग्मॉइड ऑफ जी जो है ये एक्चुअली ए नहीं है? क्यों जी, क्या सिग्मॉइड ऑफ जी एक्चुअली ए? कोई कह रहा हूं ना मैं, एक्टिवेशन कोई कह रहा हूं ना, क्या आप मेरे से एग्री करते हैं इस बात पर? यस सर, वही है। तो मैं इसको फिर अगर a इंटू वन माइनस ए लिखूं तो आपको इतराज पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को इतराज है तो बताएं, मैं इसलिए आपको गौर फिक्र का मौका भी दे रहा हूं। अच्छा, किसी को इतराज नहीं, वेरी गुड, जबरदस्त। सर ये सिग्मॉइड फंक्शन का जो है डेरिवेटिव, ये आपने कहा कि ये सिर्फ इक्वेशन कर लें, यही इसका सलूशन आएगा ये एक्चुअली? हाँ जी, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्चुअली ये आएगा। ओके सर, ठीक हो गया। ओके ओके सर, आप वैसे अपने फारिग टाइम में इसको सॉल्व करके भी देख लें, जो जरा एम्बिशियस मैथमेटिशियन है ना हमारे पास,
अगर वो इसे ट्राई करेंगे तो मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर कभी दिल करे तो कोई हर्ज नहीं। सही है। अच्छा जी, अब आगे हमने निकालना है, अब हमने जी भी निकाल लिया, अब हमने निकालना है डी बाय डी डब्ल्यू वन ऑफ जी। ठीक है, हम इस पे गौर करते हैं। हम निकालना चाहते हैं डी बाय डी डब्ल्यू वन ऑफ जी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी बाय डी डब्ल्यू वन ऑफ डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू प्लस बी। ऐसा ही है ना। अब अगर हम वही पार्शियल डेरिवेटिव के रूल देखें तो सिर्फ ये चीज चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव भी जीरो है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी चीज इवैल्यूएट बनेगी, होके बनेगी एक्स वन। सही है ना। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूं d by dw2 of z, तो ये पूरी चीज अवेलुएट कैसे होगी? अब ये भी जीरो हो जाएगा, ये नॉन जीरो रहेगा, ये जीरो, b भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये अवेलुएट होगा x2 में। और अगर मैं निकालता हूं d by db of z तो फिर क्या होगा? फिर होगा जी ये b सिर्फ इवेलुएट होगा, और ये दोनों जो है ये कैंसल हो जाएंगे क्योंकि इनका डेरिवेटिव जीरो है, सो दिस इज गोइंग टू बी वन। ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम इधर लिख देते हैं, ये है एक्स वन, ये है एक्स टू, ये है वन। सर अब चेन रूल अप्लाई करना है। Exactly. मैंने वही चेन रूल अप्लाई करना है जो मैंने इधर किया था। तो अब हमने मुश्किल काम, आप यूं समझे कि हाथी गुजर गया, सिर्फ दुम रह गई है। तो हमने हाथी गुजार लिया, हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव सारे निकाल लिए हैं, अब हमने सिर्फ दुम गुजारनी है। सही है। तो अब हम दुम गुजारते हैं। अच्छा जी, उसके लिए मैं ये एरिया यूज करता हूँ, और उसके लिए मैं ग्रीन पेन से लिखूं तो नजर आ जाएगा कि नहीं? ग्रीन पेन की विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती वैसे। लेट्स सी। ओके जी, अब हम ये जो चेन रूल हमने अप्लाई करना है ना, ये हम करेंगे ग्रीन पेन से, ताकि हम हर चीज में डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो पहले हम इस भाई को पकड़ते हैं, d by dw1 of loss is equal to d by dw1 of z multiplied by d by dz of a multiplied by dA of loss. Similarly, अब हम इस दूसरे भाई को पकड़ते हैं। मैं एक्चुअली इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करवाना चाहता हूं आपको, उससे मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। That is equal to d by dW2 of z multiplied by dz of a multiplied by dA of loss. Similarly, अब हम ये तीसरे वाला पकड़ते हैं, that is going to be equal to d by dB, इसको मुझे लिख लेना चाहिए पहले, of loss is equal to d by db of z multiplied by dz of multiplied by d by dA of loss.
अच्छा जी, व्हाट आई वांट यू टू नोटिस इज दिस थ्री ब्राउन स्क्वायर्स. क्या खास बात है तीन ब्लू स्क्वायर्स में? एक ही जैसे. These are actually same thing. हाँ, ये अगर हम ये एक चीज एक दफा कैलकुलेट कर लें तो इसका मतलब है कि बस हम उससे जरब देते जाएंगे तो हमारे जो है ये रेट ऑफ चेंज निकलते जाएंगे. तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको एक ही दफा निपटा लेते हैं, सही है ना? तो हम कहते हैं कि ये जो भाई है इसे हम कहेंगे डी जी, और ये जो डी जी है ना, दिस इज इक्वल टू, अब पहले हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, डी बाय डी जी ऑफ ए इज एक्चुअली इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ए. अच्छा, इस जगह पे ना राइटिंग सही होती नहीं है, लेकिन चलो नहीं, मैं इधर नहीं करूंगा, इधर राइटिंग नहीं सही होती. अच्छा, मैं ये अरेज कर दूं तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए. अच्छा, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं ब्राउन पेंसिल यूज कर लेता हूँ ताकि आप इसमें भी डिफरेंशिएट कर सकें. सो डी जी इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ये वाला दोस्त जो था हमारा ए माइनस वाई इंटू ए ओवर वन माइनस ए. अगर आप गौर करें तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं. एग्जैक्टली सर, जबरदस्त हो गया. इसका मतलब है कि ये जो डी जी है ये एक्चुअली सिर्फ ए माइनस वाई है, और ये ए क्या है, ये हमारे एस्टिमेट्स हैं, ये वाई क्या है, ये हमारे ग्राउंड ट्रूथ्स हैं. यानी कि ये एस्टिमेटेड लेबल्स हैं, ये एक्चुअल लेबल्स हैं, ठीक है ना? तो हम एस्टिमेटेड लेवल में से अगर एक्चुअल लेवल माइनस कर दें तो हमारा ये डी जी निकल आता है. अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि हर ब्लू स्केयर की जगह मैं डी जी लिख दूंगा. आगे की कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है. सो नाउ वी अगेन रिवर्ट टू आर ग्रीन पेन. ये डी जी ओवर डी बी हमने निकाला था वन, तो दिस इज एक्चुअली वन इन टू डी z which is a minus y. ये वाला जो है this is w1 है, तो ये x1 होगा, x1 into dz which is a minus y, और ये हो जाएगा x2 into a minus y. यहां तक आपके जेहन में कुछ कंफ्यूजन आया तो पूछे, मेरा ख्याल है टाइम भी खत्म होने वाला. क्यों, यहां तक कोई सवाल है? अच्छा, वैसे अगर ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है ना तो मैं अगली बार इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू दोबारा भी दे दूंगा. सर ये डीजी का बता दे सर, वो ध्यान नहीं था तो. कोई मसला नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो तीन नीले डब्बे है ना ये एक्चुअली एक ही चीज कैलकुलेट हो रही है, तो बजाय मैं हर बार ये अलग अलग सॉल्व करूं मैंने इसे एक ही बार सॉल्व किया और इसका नाम मैंने डी जी रख दिया. तो अब मैं हर जगह जब भी ये डब्बा आता है तो उसकी जगह मैं सिर्फ डी जी की वैल्यू लिख देता हूं ताकि मुझे बार बार सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है जी सर? ओके हो गए, चलो जी. हम हाँ हाँ पूछे पूछे सर, ये हमारे पास जो तीन आंसर आ गए हैं इसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये आंसर उठाएंगे और इधर फिट कर देंगे. अच्छा सर, ठीक हो गया. तो ये मैं ना वैसे अगली बार भी इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू भी दूंगा और फिर हम इसको ग्रेडियंट डिसेंड के अंदर पुट भी करेंगे. हमें पता चल जाएगा कि W1 कैसे अपडेट होना है, W2 कैसे अपडेट होना है, W3 कैसे अपडेट होना है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम एल्गोरिदम भी डेवलप करेंगे जो हमने फिर NumPy में इम्प्लीमेंट करना है. तो अगली बार हमारा लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, आपको 5 मिनट पहले मैं छुट्टी भी दे दूंगा, ठीक है? आज मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा तो नहीं पढ़ाया, अभी तक तो ज्यादा नहीं पढ़ाया. चलो जी, बस ठीक है सारे. हाँ सर, अटेंडेंस लगा दे सर. अटेंडेंस कौन सा बच्चा है?
सर हमेशा की तरह सर हारून हमें। अच्छा कोई बात नहीं हारून भाई, नो प्रॉब्लम। ले हारून भाई आपकी अटेंडेंस लग गई, और जिस जिसकी अटेंडेंस है वो काइंडली हैंड रेज कर दें। लेक्चर्स का कर दें अपलोड सारे। लेक्चर तो मैं हमेशा ही अपलोड कर देता हूँ, पिछले भी चार हैं बस, वो उससे पिछले तो वैसे ही यूजलेस से लेक्चर थे। अच्छा ये चार कॉपी कर लेना अपने पास, फिर ये ना कहना कि सर अब वो मिल नहीं रहे। मैंने पहले से कहा हुआ है कि Zoom जो है ना वो 8 दिन बाद लेक्चर डिलीट कर देता है, अपने पास ड्राइव में लोड कर कर ड्राइव में कर दिया करें सर। मेरे पे अगर छोड़ोगे ना तो फिर कोई काम नहीं होगा, खुद भी कुछ कर लिया करो, पढ़ा देता हूँ ये काम। हम भी आप जैसे सर। कॉपी कॉपी किया करो तो देख, जब तू हो ना 38 साल का फिर तू मेरे जैसा होना अफोर्ड कर सकता है। नहीं सर आप पहले से आप अभी से। अभी तो छोटा बच्चा है बेटा। अच्छा जी नकी आदर साहब की अटेंडेंस जी, बेटा जी दोबारा पूछो। आपको रिमाइंड कराया था लेक्चर्स का कि अपलोड करने शुरू किया, आपने कहा था कि उनकी वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे तो वो नहीं किए, तो लास्ट वीक के वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ लास्ट वीक वाले तीनों जो हैं वो अभी तक मेरे ख्याल Zoom पे मौजूद हैं, वो मैंने LMS तो चल गया ना आप सबका सर, वो प्लीज अपलोड कर दें ताकि हम डाउनलोड करके अपने पास रख लें। तो बेटा वो तो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं सारे सर। नहीं सर अभी सिर्फ चार लेक्चर्स अपलोडेड हैं और हमारे आठवां लेक्चर है। नहीं नहीं अपलोडेड है लास्ट जो 4 lectures हैं अपलोडेड हैं, उससे पहले के जो स्टार्टिंग वाले हैं वो एक दो मिसिंग हैं, बाकी सारे अपलोडेड हैं। और उनमें तो हमने गप्पे छप्पे लगाई थी इसलिए वो मैंने अपलोड नहीं किया। आपके पास उनकी वो उनकी वीडियोस पड़ी होंगी वैसे? नहीं बेटा पड़ी नहीं होंगी, लेकिन Zoom से निकाली जा सकती है सर, वो भी प्लीज अपलोड करते हैं सर। चैनल पे भी आपने अपलोड कर दिया? हाँ नहीं वो चैनल पे नहीं है, चैनल पे मैंने जो है ना ये जो आज वाला लेक्चर है ना ये चैनल पे अपलोडेड है। सर चैनल कौन सा आपका? यार वो YouTube का चैनल है, वो मैं ना आप लोगों को ना उस पे डाल दूंगा LMS पे, तो आप ये वीडियो उस पे भी देख सकते हैं। मुझे याद आ गई, ये तो मुझे अच्छा याद कराया यार। वो है भी 25 मिनट का, क्योंकि वो जरा साफ सुथरा है, उसमें ये बाकी बातें शातें भी नहीं होंगी, तो आपके लिए देखना आसान हो जाएगा। जी अनम आपकी अटेंडेंस हो गई है बेटा। सर कौन सा चैनल है? जी मैं आपको यार उसका नाम है डाइवर्स फैक्ट। जी ए आपके दो कुछ मेरा एक ही है यार डाइवर्स। सर आपने मेरी अटेंडेंस मार्क कर दी है? जी बेटा मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। और सर प्लीज वो वाले लेक्चर्स भी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उनको प्लीज रिकवर करके अपलोड कर दें। हाँ प्रॉमिस नहीं है, अगर मिले तो कर दूंगा। ठीक है सर थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी और किसी बच्चे की अटेंडेंस का मसला तो नहीं है? ठीक है चलें सर। काइंडली मेल चेक कर ले सर, आपको मीटिंग के लिए मेल कर दी। यार वो असल में मीटिंग अभी हो नहीं सकती क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 2-3 मीटिंग स्केड्यूल है यार आज। मैं आज घर सर जी ज्यादा टाइम नहीं लेना, 15 मिनट लेने हैं बस सर। इनसे पूछ दे कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है क्लास का? बना हुआ है क्लास का ग्रुप फिलहाल यार, इधर ही 2-4 मिनट में डिस्कस कर लो, नए चक्कर में नहीं पड़ते हैं यार। ऐड कर जी आ जाए ना आपको, बस सिर्फ मैंने सर वो डेटा सेट्स वगैरह दिखाने हैं, 10 मिनट भी नहीं लगने सर। चलो यार मैं उस पे अभी आ जाता हूँ, मैंने आपको मेल कर दिया सर। आ गया। ओके जी थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट मंडे नहीं ट्यूसडे को हमारी मुलाकात होगी। ठीक है थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।